अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमजा असलम आज फिर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैट कहीं से भी परचेज़ करते हैं और जब परचेज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जो आपके मतलब पेट खरीदते हैं उसमें कोई मसाइल ना हो, वो बीमार ना हो। तो मैं पांच चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी किटन इन पांच चीज़ों के मुताबिक परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका इन चीज़ों से आपको बेनिफिट ये होगा आपका किटन जो उनसे हेल्दी होगा, एक्टिव होगा, प्लेफुल होगा। और वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, किटन आपको पसंद आता है, आप जल्दी जल्दी ख़रीदने की कोशिश करते हैं, या किसी के घर में जाते हैं, या कहीं मतलब फेसबुक पर आप देखते हैं तो आप देख तो लेते हैं आपको बड़ा क्यूट किटन लगता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसको परचेज़ करने से पहले। जैसे कि आप एक किटन माशाल्लाह देखते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ट्रिपल कोटेड है माशाल्लाह, सेमी पंच इसका फेस है और ये बहुत ज़्यादा लविंग है। फर्स्ट में आपने इसका फेस देखना है, फेस जैसे कि चेहरा देख रहे हैं इसका आप माशाल्लाह छोटे किटन का, ये देख रहे होंगे आप इसका, देखें किटन का चेहरा, इसकी आइज़ ठीक है, इसमें इसकी आईज़ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एक तो होती हैं आईज़ गंदी, ठीक है, वो एक अलहदा चीज़ है, वो इजीली साफ़ हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार किटन या कैट की आईज़ में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पानी मतलब पानी निकलता ही रहता है, ठीक है। और ये आपने प्रॉपरली कोशिश करनी है, आप एक दफ़ा देखें कि उसकी आईज़ गंदी हैं कि कैट की आईज़ के अंदर इन्फेक्शन है, वो आपने इजीली देख सकते हैं। जब आप किटन बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे तो आप किटन देखिएगा, किटन की आईज़ की तरफ देखेंगे। अब ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, प्रॉपरली दोनों आईज़ इसकी ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में तो ये देखें आप, सेकेंड चीज़ चेक करें इनका नोज़ कहीं मतलब लीक तो नहीं कर रहा, कहीं ज़ुकाम तो नहीं लगा हुआ इनको। अगर ज़ुकाम लगा होगा तो इनकी नोज़ जो सी होगी वो गीली होगी, आपको नज़र आ जाएगा इजीली, ठीक है। सेकंड मतलब ये चीज़ होगी। थर्ड चीज़ आपने देखना है कि माशाल्लाह किटन आप कोई भी देखते हैं तो उसके देखने आपने कान कहीं गंदे तो नहीं है, कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं एयर माइट्स तो नहीं है कान के अंदर, दोनों कान अच्छे तरीके से आप देखें, ठीक है। हाँ जी चिंटू जी, बड़ी शैतानियाँ कर रहे हो आप, क्या बात है, खैर है ना, मिलवाते हैं सबसे, आपको मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप सबको। अच्छा थर्ड चीज़ आपने मतलब आपको बता दी है कान, मतलब फोर्थ जो सी चौथी चीज़ आपने देखनी है, इसका प्रॉपरली पूरा फर देखना है आपने कि कहीं भी फंगस तो नहीं है। फंगस से मुराद के कहीं से भी बाल वगैरह उसके टूटे तो नहीं हुए, मतलब आप फंगस का ये होता है कि जैसे पाँव में देख सकते हैं आप, पंजों में देख सकते हैं, कहीं पंजे मतलब हल्के हल्के से बाल उड़े तो नहीं हुए उसके बाद। ज़्यादातर ये पंजों के दरमियान में होती है फंगस और डायरेक्ट मुंह पे आती है, कभी कभार स्किन में भी आ जाती है। तो कोशिश करें आप प्रॉपरली किटन को अच्छे तरीके से देखें कि हर जगह इसके बाल हैं कम्प्लीट, कहीं से इसके बाल वगैरह रिमूव तो नहीं हुए, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और उससे आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में पता लग जाएगा कि किटन में कोई मसला है कि नहीं है, आपने किटन माशाल्लाह पकड़ना है, ठीक है। किटन पकड़ के उसका जो मुंह है ना, वो आपने खोल के चेक करना है कि उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, स्मेल तो नहीं आ रही, मुंह के मतलब छाले तो नहीं बने हुए ज़ुबान पे ऊपर। अगर इनके छाले बने हुए हैं तो वो आपने किटन परचेज़ नहीं करना, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हल्की वायरस हो सकता है, जो कि अगर आपके घर में भी पेट हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। तो ये पांच चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, उम्मीद है ये पाँचों चीज़ें आप जब भी कहीं से भी किटन परचेज़ करेंगे तो ये चीज़ें मतलब आप लाजमी देखिएगा, इसका ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं ये चिंटू से और ये मिंटू से मिलवाना चाहूँगा आपको, माशाल्लाह बड़े ही प्यारे हैं, ट्रिपल कोटेड हैं माशाल्लाह, दोनों ही फीमेल हैं और ग्रे कलर में हैं। ये चेक करें, एक का हल्का सा डार्क कलर है और एक का हल्का सा लाइट कलर है, और ट्रिपल कोटेड है माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे हैं और प्लेफुल हैं।
इनका दिल कर रहा है थोड़ी सी जेली खाने का, और मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एक्टिविटी, देखिएगा कैसे बदलते हैं। हाँ जी, खानी है आपने जेली? आजू आजू आजू, ओए 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 ओए, बस 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 बस, ओए, अच्छा, नो नो नो, इधर आ, ओए भूख लगी है, वाह जी, अच्छा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, पहले इसको खिलाते हैं छोटे वाले को, एक मिनट एक मिनट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आराम से इजीली खाओ, अच्छा, आराम से आराम से, अच्छा सबड़ ही निकल रहे, जैसे बच्चों में जल्दी जल्दी नहीं होती, हमें मिल जाए खाने को, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वैसे करते हैं ये। आ जाओ आप भी खा लो खा लो, इधर आओ इधर इधर आओ, अच्छा, ओए ओए ओए, बस बस देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे हैं एक्टिव है, और ये भी चीज़ें आप देख के देख रहे हैं कैसे इनका दिल कर रहा है खाने को, हमें मिल जे मिल जे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि रिटर्न आप परचेज़ वगैरह करते हैं उनको, आप 3 टाइम खाना दें, ठीक है, 3 टाइम खाना दिया करें, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना दें, क्योंकि ये तो बच्चे, इनको पता ही नहीं, इनको जितना डालेंगे बेचारे खा लेंगे, जब ज़्यादा खा लेंगे तो इनको लूज़ मोशन लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और कोशिश करें कभी भी आप छोटा किटन परचेज़ करें उसको बॉयल चिकन देना है, और सिर्फ बॉयल चिकन देना है। कुछ लोग कहते हैं कि होम रेसिपी बना के दें, उसमें चावल ऐड करें वगैरह, तो मैं आपको ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने इनमें से कोई भी चीज़ वगैरह, मतलब चावल वगैरह या कोई और चीज़ नहीं डालनी, आपने सिर्फ बॉयल चिकन देना है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने आपने और इनके आगे रख देने हैं। इनसे मैंने आपको मुलाकात करवा दी, आपकी दोनों माशाल्लाह फीमेल हैं, ट्रिपल कोटेड हैं और प्लेफुल हैं। अगर आप में से कोई भी इनको मतलब परचेज़ करना चाहता है, लेना चाहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। वैसे हमारी शॉप का एड्रेस कौन सा है, समनाबाद LOS रोड पे हमारी शॉप है लाहौर में, ठीक है, लोकेशन भी मैं इस मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा यूट्यूब का चैनल, प्लीज़ 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 आपने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।